पाँच पार्सल कहाँ से आए लेने के लिए? जेल रोड स्कूल। जेल रोड जो भाई, अच्छा काफी दूर है, 5-10 मिनट रहता है यहाँ से। तो इतना पसंद है, रात के 1 बजे घर वालों ने भेज दिया खाने लेने के लिए। घर वालों को पसंद है, घर वालों की फरमाइश है, भाभी की फरमाइश है, इसके बगैर एंट्री नहीं करके अंदर। चले जाए भाई। भाई साहब ये देखे माशाल्लाह रश यार, जबरदस्त भाई। मंसूर बर्गर पॉइंट पर रश देखे भाई। बंद कबाब जो है ना वो इतना लाइट होता है, आप खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। एक एक खाने आओ तो दोबारा खाने को मिल जाता है। अच्छा, इतना अच्छा है? बिल्कुल जबरदस्त। आपका भी ऐसा किताब है भाई? सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है ये आलू बुखारे वाली। आलू बुखारे की चटनी बहुत जबरदस्त चटनी है। तो भाई इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और ऐसा रश देख रहे हैं आप। ये है कराची में मंसूर बर्गर के लिए रश। तो ये मकाम है जहांगीर रोड 2 नंबर और यहाँ पर देख रहे हैं माशाल्लाह से ऐसा रश, क्योंकि भाई इनका सुना है कि भाई चटनी, इनके मसाले और इनका अंडे वाला बन कबाब ऐसा ज़बरदस्त किस्म का होता है ना कि जो एक बार खाता है वो उसके बाद दूर दूर से सफ़र करके आता है। तो आज रात हम भी ट्राई करेंगे और लोगों से भी मालूम करेंगे इतना क्यों पसंद है, क्योंकि भाई बन कबाब तो शहर कराची में हर इलाके में अच्छे मिल जाते हैं, इनके बर्गर में क्या खास बात है। आ जाए, अच्छा सर बताएं कि आते रहते हैं या पहली बार आए यहाँ पर? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए, और कैसा लगा आपको ये? अच्छा लग रहा है, भूख लग रही है तो सोच रहा हूँ कि एक और ले लूँ। एक और ले लूँ, मतलब है मज़ेदार, मज़ा आया खाकर। जो लोग खड़े हुए वहाँ के रात में इतनी देर 12:30 बजे तक सही खड़े हुए हैं। मैं लोगों को देख के रुका हूँ। लोगों को देख के रुके? अच्छा, आगे जा रहे थे। चले चले जी, खाए खाए जबरदस्त। रणवीर भाई इनका बंद कबाब जो है ना वो इतना लाइट होता है, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अंडे वाला हो या सादा बर्गर हो, बेहतरीन सिका हुआ भी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई बहुत अच्छी है इनकी। आप देखें कितनी सफाई के साथ बन रहा होता है। क्या अभी कब से खा रहे हैं आप? लग रहा है काफी सालों से खा रहे हैं। हम लोग तो भाई तकरीबन ये इनका सेटअप हो गया तकरीबन 20-22 साल हो गए यहाँ पर लगे हुए, और माशाल्लाह से हम तब से ही खा रहे हैं। और ये मसाला चढ़क रहे स्पेशल, ये मसाला इनका स्पेशल मसाला है, चाट मसाला इनका मसाला है। हां भाई ये देखिए स्पेशल मसाला आ गया, और इस तरह ही लगते रहते हैं इसमें अंडे वाला अंडे के साथ। तो दीगर लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये बताएं भाई कैसा लगता है ये? बेहतरीन बर्गर है भाई। कहाँ से आए खाने के लिए? मैं लाइन जरिया से इसको खाने के लिए आया हूँ। स्पेशली नहीं करो यार, लाइन जरिया दूर है यहाँ से काफ़ी ना, लेकिन जायके की बात है ना, जायके के लिए पीछे सफ़र कर ले रहा है। वाह भाई जबरदस्त जबरदस्त। चले भाई, चटनी बेमिसाल है, चटनी बेमिसाल है। अच्छा चटनी बेमिसाल है, लड़के ने तारीफ कर दी। अब जरा भाई से बात करते हैं, मंसूर भाई से उनसे पूछते हैं कैसा है, फिर खा के रिव्यू देते हैं। बहुत जबरदस्त बर्गर है, हम लोग डेली तकरीबन खाते हैं यहाँ पे, दिल्ली बढ़ता। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। लोकेशन समझे, अल्लाह का शुक्र। ये लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, किस तरीके से, क्या टाइमिंग है भाई? अगर आप लियाकतबाद से आएंगे तो जहांगीर रोड 2 नंबर से उल्टे हाथ पे आप टर्न होंगे, माशाल्लाह क्वार्टर की साइड, ठीक है। और ये सीधा आएंगे तो जब उल्टे हाथ पे आपको ये शाह नजर सब जो बड़ी मशहूर इमाम बरगर से थोड़ा सा पहले, वो तो आप क्या कहते हैं यादगार फिश से आएंगे तो पड़ेगा जमशेद रोड की साइड से। अगर लाल के जहांगीर रोड की साइड से आ रहे हैं तो ये आपको तरफ पड़ेगा आपको। माशाल्लाह रात में कब तक खुला रहता है? 3 बजे तक। 3 बजे तक, और ऐसा ही रश रहता है क्योंकि 12:30 हो रहे हैं रात के। तो क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या है आपके सामने? चटनी है, हर धनिए को देने वाली है, आलू बुखारी इमली की चटनी है, और क्या कहते हैं बस यही है। और मसाले शामी कबाब है, शामी कबाब है, उसमें 12 मसालों का वो टेस्ट है। और 12 मसालों का टेस्ट है, अच्छा ज़बरदस्त। तो अभी कितना है अंडे के साथ, अंडे के बगैर? अंडे वाला हमने जो नॉर्मली अभी जो चल रहा है 120 का, सही है, और सादा जो है 80 रुपये के हिसाब से, सादा 80 रुपये का। चले फिर एक अंडे वाला बनाइएगा, फिर हम जरा ट्राई करते हैं भैया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास कौन सा आया? मैंने अंडे वाला बनाया था, आपने सादा मंगवाया? हाँ तो यही तो देखने वाला है, मेरा सादा आ गया। मेरे पास आ गया अंडे वाला भाई, चेंज तब्दील करें, तब्दील करें सादा। यार मैंने इनकी ना खास तौर पर, लोग कह रहे हैं कि इनकी चटनी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ये देखिए अंडे वाला भाई, चटनी का इनका दावा है 120 रुपये के, हैदराबादी चटनी है। और ये देखिए हैदराबादी चटनी, जरा ट्राई करें ना भाई। हाँ चटनी ट्राई करें भाई पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हैदराबादी चटनी है भाई, बहुत क्लास की, मज़ा आएगा। अब तो मीठी ली जगह यार, चटनी बन के साथ ट्राई करते ना, बिस्मिल्लाह। चलो ट्राई करें। हाँ भाई क्या कह रहा है, खस्ता तो है बन अंदर से, बन को सही रख रहा है यार, है ना? ये आप सादा खा रहे हो इसलिए। अब मैं ज़रा भाई ये डायरेक्ट इसी के खाते हैं, क्योंकि ये है अंडे वाला, ये सबसे स्पेशल है इनका, ठीक है बगैर ही मत है, क्योंकि उन्होंने स्पाइसेस है ना जो, और जो टिक्की है शामी कबाब की वो बहुत अच्छा जायका उसका है, फ्लेवर चेंज हो जाएगा ना तनु भाई। कैसे, अगर आप तीखी चटनी इसके साथ ये लेंगे और फिर वो मीठी वाली लेंगे, दोनों में फ्लेवर आपको ऐसा चेंज हो जाएगा, एक ही बन में दो मज़े। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरी रिकमेंडेशन है अंडे के बगैर खाइएगा, क्योंकि इसका जो ज़्यादा मज़ा है ना
कुशादे में इसकी जो कबाब कबाब में टिकिया का जायका बहुत अच्छा है, और जो उन्होंने मसाला छिड़का ना 12 मसाले तो बहुत अच्छा जायका बनाया, यानी चटनियों की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, ये बात अंदाजा लगाएं, अपने ट्राई कर लें चटनियों के साथ। और जब याद ये ज़रा चटनियाँ लगाएं डिप करें यार। मंसूर भाई का बन कबाब, इनकी चटनी बहुत अच्छी है, हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी, चटनियों का गेम है भाई, चटनियों का बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम चला हुआ, बड़ा मजा आया। बाकी लोग अभी और रात के 1 बजे तक खड़े हैं खाने के लिए, सही खड़े तो खत्म करें वीडियो भाई, बिल्कुल अभी तो खत्म करना है। इसकी लोकेशन ये है कि भाई जहांगीर रोड, जहांगीर रोड 2 नंबर मार्टन क्वार्टर वाले रास्ता है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है यहाँ से यादगार फिश, और अगर आप जब शेर रोड से आ रहे हैं तो शायद जब थोड़ा सा पहले पड़ेगा, मंसूर बर्गर इतना मशहूर है कि बोलेंगे कान से पकड़ के ले आएंगे सारे बच्चे पकड़ के, मज़ा आए, मज़ेदार है, मज़ा आया। तो उसकी लोकेशन पहले कमेंट भी होगी, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, ठीक है, तो फिर एंड करें भाई वीडियो को, लड़के का भाई को खाया जा रहा है, अल्लाह हाफिज़।